हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनीता साह। सुनीता क्रिएशन से मैं आपका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रही हूँ चटपटे भरवा बैंगन रेसिपी। आइए इसको देख लीजिए। देखिए, ये मैंने भरवा बैंगन लिए हैं, दो बड़े प्याज मैंने काट के लिए हैं, ये लहसुन लिया है थोड़ा, ये नारियल को मैंने इसका भूरा बना के रखा है, तीन टमाटर लिए हैं। मसालों में मैंने धनिया पाउडर, जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक और फ्राई करने के लिए तेल लिया हुआ है। ये देखिए, मैंने कढ़ाई में एक चम्मच तेल डाला हुआ है, इसमें ये प्याज को फ्राई करना है और ये लहसुन को भी फ्राई करना है। ये देखिए, प्याज गोल्डन हो चुकी है, अब इसको निकाल लेंगे और इसमें ये जो मैंने नारियल का बोरा लिया हुआ था, इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये नारियल भी फ्राई हो चुका है, इसको भी निकाल लेंगे। अब इसका हमें पेस्ट बना के तैयार करना है। इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे, ये तेल गर्म हो रहा है जब तक इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये मैंने ग्राइंडर में निकाल लिया है, इसको पेस्ट बनाना है। ये देखिए, मैंने ये प्याज का पेस्ट बना लिया है और जो मैंने तीन टमाटर लिए थे उसका भी पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसमें सूखे मसाले मिलाएंगे, ये हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये छोटी दो चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और ये गरम मसाला। ये देखिए, मैंने बैगनों में ये मसाला भर दिया है। ये कढ़ाई गरम करने रखी है मैंने, ये तेल डाल के कढ़ाई गरम हो गई है। इसमें जीरा और ये सॉस मैंने जो निकाली थी, ये डाल देंगे। मैंने ये दो प्याज बचा के रखा हुआ था, उसको भी इसमें डाल देंगे। ये देखिए, प्याज गोल्डन हो गई है। अब इसमें जो बैगन करके मैंने रखे हुए थे, इनको डाल देंगे। हल्का सा इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमको एक दो मिनट के लिए इसमें फ्राई कर लिया है तेल में, जो बचा हुआ मसाला था वो भी इसमें डाल देंगे। और ये जो मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था वो भी इसमें डाल देंगे। देखिए, ये बैगन अच्छे से मसाले में भुन गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, करीबन एक गिलास। तो इसको ढक के 15 मिनट इनको पकने देंगे और गैस की फ्लेम थोड़ा मंदा कर देंगे। ये देखिए, बैगन अपने बन के तैयार है। अब इनको बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, बैंगन अपने तैयार है। गार्निशिंग के लिए ऊपर से धनिया डाल देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।